नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका से प्रेमी ने शादी रचाने की जिद की। जब जिद पूरी नहीं हुई तो रेप कर महिला के बाल काटे तथा चाकू से पूरा जिस्म छलनी कर दिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, फतेहाबाद के रतिया शहर में लव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका से प्रेमी ने शादी रचाने की जिद की। जब जिद पूरी नहीं हुई तो प्रेमिका से रेप किया, बाल काटे और पूरा शरीर छलनी कर दिया। एक के बाद एक चाकू मारे। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं DSP बोले कि पीड़िता 7-8 महीनों से आरोपी के संपर्क में आई थी। दोनों पंजाब के मानसा के रहने वाले हैं। पीड़िता भी शादीशुदा है और आरोपी भी शादीशुदा। पीड़िता की शिकायत में आरोपी 6 सितंबर को आरोपी ने शादी के लिए जिद की थी। आरोपी को पत्नी से तलाक लेने के बाद पीड़िता ने शादी करने की बात कही, लेकिन जिद को पूरा होता न देख उसने पूरा दिन रेप किया तथा अपने परिजनों के साथ मिलकर कमरे में बंद कर दिया। उसके बाल भी काट दिए और पूरे शरीर पर चाकू मारे। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उनके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को गंभीर हालत देखते हुए रतिया के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर करवाया गया। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये 7 तारीख को थाना शायद रतिया में सूचना प्राप्त हुई थी कि मानसा की रहने वाली है कोई लड़की, वो दाखिल हुई है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो कल स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिसमें अपनी स्टेटमेंट में लिखवाया जो है रतिया है वहाँ 7-8 महीने से रवि जो है मानसा का रहने वाला है उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। और जो 6 तारीख की घटना है, जैसे 6 तारीख को और 7 तारीख को दाखिल हुई थी, इसके पति ने इसके साथ रेप किया जो इन रिलेशनशिप में जो रह रही थी और उसके बाद इसके चाकू और कैंची से चोटें मारी। तो क्या कहा पीड़िता ने जब इसके बयान लिए गए, तो किस तरह से कितने सालों से ये रह रही थी और क्या कहकर ये यहाँ इसको ले आया था? इसके जो रवि है 4 साल से इसकी लड़की जो उसकी जो बड़ी उसके साथ अनबन चल रही है और ये जो दोनों 7-8 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ किराए के मकान में रहते थे। हाँ, तो ये पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे मानसा के रहने वाले दोनों, और लड़की भी शादीशुदा है और लड़का भी दोनों शादीशुदा है। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं 7-8 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद इसने जो रवि है इसने अपने भाई को सागर को उसकी माँ को और एक लड़की को बुला लिया, इन्होंने भी इसकी चोटें मारी। तो किस कहाँ पर प्रहार किए गए? इसके हाथ पैरों पर और नाक वगैरह पर जो है चाकू के वार किए गए। और रेप करने से पहले 7 तारीख को जो रेप किया था उससे उसके बाद इसको कमरे में बंद करके इसके घरवाले ने हाथ पर बांध के फिर चोटें मारी। इस संबंध में जो अभियोग है वो अंकित कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। जो आरोपी है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मामला ऐसे, मेरी बहन को रात को मार पीट के चला गया। उसने बोला कि मेरे से शादी करा ले। मेरी बहन ने बोला नहीं, मैं नहीं शादी कराऊंगी, आप तलाक ले आओ जब मैं शादी करूंगी। अच्छा। जो उसने शादी नहीं करी, 2-3 दिन हो गए वो पीछे पड़ा रहा, बंदी रख के उसको रख रहा 6-7 दिन हो गए उसको, पूरी बंदी रख के उसको धमकी भी ज़्यादा दे दी। रात को 9 बजे आया, उसके पाँव हाथ बांध के रात को 9 बजे से लगा के 6 बजे तक उसकी पूरी उसकी खून से चाकू से बाल चाकू कैंची से बाल काट दिए, चाकू से सारे हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा सट सुट मारे, उसको बुरा हाल कर दिया उसके नाक। अब भी सर्विस ही है, बस कोई पता नहीं है इसका। माड़ा मोटा ऐसे ठीक है, बोल रही है, थोड़ा पानी पूरी पी रही है बस, जमा और सूजी हुई है सभी। तो आपने पुलिस में शिकायत दे दी क्या? हाँ, पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपनी जल्दी से जल्दी करो, पुलिस वाले को इतनी मेहरबानी है बस, हमारा जल्दी से जल्दी पता लग जाए वो पकड़ा गया। जैसे मेरी बहन का हाल हुआ उससे ज़्यादा उसका भी। Thank you.
ये 7 तारीख को थाना शहर जो रतिया में सूचना प्राप्त हुई थी कि मानसा की रहने वाली है कोई लड़की, वो दाखिल हुई है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो कल स्टेटमेंट लिखी गई है, जिसमें अपनी स्टेटमेंट में लिखवाया जो है रतिया है वहाँ 7-8 महीने से रवि जो है मानसा का रहने वाला है उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। और जो 6 तारीख की घटना है, जैसे 6 तारीख को और 7 तारीख को दाखिल हुई थी, इसके पति ने इसके साथ रेप किया जो इन रिलेशनशिप में जो रह रही थी और उसके बाद इसके चाकू और कैंची से चोटें मारी। तो क्या कहा पीड़िता ने जब इसके बयान लिए गए, तो किस तरह से कितने सालों से ये रह रही थी और क्या कहकर ये यहाँ इसको ले आया था? इसके जो रवि है 4 साल से इसकी लड़की जो उसकी जो बड़ी उसके साथ अनबन चल रही है और ये जो दोनों 7-8 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ किराए के मकान में रहते थे। तो ये पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे मानसा के रहने वाले दोनों, और लड़की भी शादीशुदा है और लड़का भी दोनों शादीशुदा है। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं? यस, 7-8 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद इसने जो रवि है इसने अपने भाई को सागर को उसकी माँ को और एक लड़की को बुला लिया, इन्होंने भी इसकी चोटें मारी। तो किस कहाँ पर फरार किए गए? इसके हाथ पैरों पर और नाक वगैरह पर जो है चाकू के वार किए गए और रेप करने से पहले 7 तारीख को दो रेप किया था उससे, उसके बाद इसको कमरे में बंद करके इसके घरवाले ने हाथ पैर बांध के फिर चोटें मारी। इस संबंध में जो अभियोग है वो अंकित कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। तो जो आरोपी है उनको